अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है ये हर शादीशुदा मर्द के लिए है, हर शादीशुदा मर्द इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये नुस्खा जो है गर्मियों के इस्तेमाल के लिए है। ख़ास तौर पर ऐसे मर्द हजरात जो हम बिस्तरी के बाद कुछ भी नहीं खाते, ठीक है, जिनको कमज़ोरी हो गई है, ठीक है, हम बिस्तरी करते हैं लेकिन वो लज्जत, वो सुकून नहीं हासिल होती जो पहले हुआ करती थी, कमज़ोरी की वजह से वो लज्जत ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए नुस्खा है बादस जमा। इसको इस्तेमाल करने से आपकी ताकत बहाल रहती है, आपको कमज़ोरी नहीं होती, ठीक है। ये नुस्खा क्या है, कैसे बनना है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जमा का जो अमल है ये फितरती अमल है, इसको तस्कीन के लिए बनाया गया है, ना कि इसको अपने आप को ज़ाया करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इस अमल से आपको तस्कीन मिलती है और तस्कीन के लिए ही ये अमल किया करें। गर्मियों में जमा की जो सही मुद्दत है वो कम से कम भी आप 2 हफ्ते के बाद करें, ठीक है। चाहे आपके घर में एयर कंडीशन है, चाहे आपकी खुराक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं, ठीक है, और जल्दी कमज़ोर नहीं, जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते, तो ये इसका जो अमल है मैं आपको बता रहा हूँ, 14 दिन बाद इसको करें, 2 हफ्ते के बाद गर्मियों में किया करें, ठीक है। अगर ना आपकी मर्ज़ी है, कमज़ोरी आपका मुकद्दर बन जाएगी अगर आप इस बात पर अमल नहीं करेंगे तो नुस्खा क्या है, नुस्खा शुरू करता हूँ मैं। नुस्खे में हमने जो चीज़ लेनी है सबसे पहले वो है सालिब मिस्री। सालिब मिस्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला और 50 ग्राम यानी हमने लेनी है कोज़ा मिस्री, ठीक है। ये हमने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाकर, सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसे किसी बंद बोतल में डालकर महफूज कर लें। बंद बोतल में डालकर महफूज करने के बाद जब भी आप हम बिस्तरी का अमल करें, उसके बाद आपने करना ये है कि आधे से पौने घंटे के बाद, ठीक है, सबसे पहले उठें, कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद आपने करना ये है कि इसका 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ ले लें, ठीक है। नीम गर्म दूध के साथ लेने के बाद आप बेशक थोड़ा सा चहलकदमी करने के बाद सोएं, फौरन ना सोएं, ठीक है। ये आपको कभी भी कमज़ोर नहीं होने देता, आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।